Hello and welcome to the first episode of Law Life. I am Aditya Yadav and watching the Social Indian, and in this video we'll be talking about your semester exams. If you are a law student and you are preparing for a law exam, semester exam, so you have been realized yet ki aapne soch liya hoga, samajh liya hoga aur jaan liya hoga ki jo aapki life graduation ke time pe thi ya jo aapki life law school se pehle jo aap schooling karke aaye hain उसके टाइम थी वहाँ पे एग्ज़ाम का माहौल डिफरेंट हुआ करता था और यहाँ पर लॉ स्कूल में जो एग्ज़ाम का माहौल है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि एग्ज़ाम को कैसे टैकल किया जाए तो उसकी अप्रोच भी डिफरेंट होगी। और जब आप नए नए लॉ स्कूल में आते हैं तो आप देखेंगे कि आपको सीनियर्स बताएंगे कि ऐसे अप्रोच कीजिए एग्ज़ाम को, उसके बाद आप खुद पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे अप्रोच करना चाहिए, उसके बाद जो तीसरी परसेप्शन आती है कि हाँ किसी की गाइडेंस ली जाए, किसी से पूछा जाए। और लगातार हमारे पास ये क्वेरी आ रही थी कि सर सेमेस्टर एग्ज़ाम को कैसे अप्रोच किया जाए। तो जो लोग एंट्रेंस क्लियर करके अलग अलग लॉ स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं उनके लिए वीडियो है कि सेमेस्टर एग्ज़ाम को चार तरीकों से कैसे टैकल किया जाए। सबसे पहले टॉप पार्ट में हम बात करेंगे कि अपने टाइम को कैसे डिवाइड किया जाए। डिवीजन ऑफ डेज बिफोर एग्ज़ाम इज़ अ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, क्योंकि अगर टाइम को हम अच्छे से डिवाइड करेंगे, डेज को अच्छे से डिवाइड करेंगे कि किस फेज में क्या प्रिपरेशन करनी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में मैं डिटेल बात करूंगा। सेकंड में आपकी बात करूंगा कि आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। थर्ड में बात करूंगा नोट्स के बारे में, और चौथी में आपको दूंगा एक मास्टर टिप जो मुझे लगता है कि आपको सेमेस्टर एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगी। अब शुरू करते हैं डिवीजन ऑफ टाइम से। अब डिवीजन ऑफ टाइम से मेरा मतलब यहाँ पे एक दिन के टाइम का नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पर आपसे मतलब है कि आप अपनी डेट शीट को लीजिए, स्टिकी नोट्स उठाइए, दीवार पर लगाइए, एक एग्जाम कब है कब नहीं है उसको आप दीवार पर लिख कर रख लीजिए अपनी स्टडी टेबल के सामने, या फिर आप जहाँ भी बैठते हैं आपको सुबह शाम उठते हुए दिखाई दे तो आपके दिमाग में ये बना रहे। एक टाइम पे आने के बाद एक दो दिन में आपको याद हो जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम आपका कब आने वाला है, तो उसी हिसाब से आपको उस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अब मान लीजिए आपका कोई भी एक एग्ज़ाम है जिसमें दो या तीन दिन की छुट्टी है, तो आप उसको थोड़ा लिबरली छोड़ सकते हैं, थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं, ना कि उस एग्ज़ाम को जिसमें आपको एक दिन की छुट्टी या एक भी दिन की छुट्टी नहीं है। तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट होता है कि आप किसको सब्जेक्ट को किस हिसाब से पहले पढ़ते हैं, पहले नहीं पढ़ते हैं। लगातार ये सवाल ही उठ रहा था कि भाई कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना चाहिए। तो ये एंटायरली डिपेंड करता है आपकी डेट शीट पर और एक सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल पर कि ये सब्जेक्ट आपको कितना डिफिकल्ट लगता है कि नहीं लगता है। अब जब हम डिवीजन ऑफ डेज करेंगे तो हम डिवीजन करेंगे तीन फेज में। पहला फेज होगा जो कूलिंग डाउन पीरियड होगा, जो हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी स्टार्ट करेंगे, प्रिपरेटरी फेज होगा जो हमारा। दूसरा पीरियड होगा जो थोड़ा सा हमें ज़्यादा रिग्रेस मोड में तैयारी करने वाला मोड होगा, और तीसरा मोड होगा रिवीजन मोड। अब हमें इन तीनों मोड के लिए जाना है तो एटलीस्ट अब हमारे पास एक महीना के आसपास है, एक महीना भी अगर कम बचा है तो आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली उसे डिवाइड कर लीजिएगा कि पहले जो आपका आधा समय है 15 दिन है जो आपके, यानी अगर आज से आपके 40 दिन बचे हुए एग्ज़ाम में, तो अगले 20 दिन आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जो जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं उसकी रेफरेंस बुक जो भी आई हुई है, जो भी रेफरेंस बुक है उसको उठाइए। हम ये मानते हैं कि हमारे यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारे लिए दुक्की अवेलेबल है, Q&A की किताबें अवेलेबल है, वो भी पढ़नी है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप पहले रेफरेंस बुक उठाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, अंडरस्टैंडिंग बनाइए सेक्शन के लिए कि क्या सेक्शन कहना चाह रहा है, क्या टॉपिक कहना चाह रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, और वो तभी क्लियर हो पाएगी जब आप रेफरेंस बुक से एक बार उसे पढ़ लेंगे। अब जो आप शुरू के आधे टाइम में यानी 50% डिवीजन में आप रेफरेंस बुक को अपना टाइम देंगे, उस डेज को भी डिवाइड कर लीजिए अपने सारे पांचों सब्जेक्ट के हिसाब से कि एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। अब जब आप ये दोनों काम कर लेंगे उसके बाद एक बढ़िया सा शेड्यूल बनाइए जिसपे मैं आपको 100% ये लिख के दे सकता हूँ कि आप उस शेड्यूल को 100% फॉलो नहीं कर रहे होंगे। लेकिन फर्स्टली प्लान योर वर्क, देन वर्क योर प्लान। आप अपना टारगेट ये रखिए कि एटलीस्ट 70-80% तो आपको करना ही है, उससे पहले उठना नहीं है। और कोशिश कीजिए कि अगर आपने एक सब्जेक्ट को 2 दिन में दिया हुआ है तो पहले दिन आप 60% कर रहे हैं और दूसरे दिन आप 40% कर रहे हैं। पहले दिन ज़्यादा बर्डन दीजिए ताकि ज़्यादा काम आप प्रोडक्टिविटी ला सकें। उसके बाद जब आप डिवीजन कर लेंगे ऐसे डेज में, तो रेफरेंस बुक्स उठाइए, पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर रेफरेंस बुक का पढ़ना, इसीलिए मैं आपको बार बार एम्फेसिस इसी चीज़ पर दे रहा हूँ। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर से कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। अब डिवीजन जब हमने कर दिया है, पहला जो है वो रेफरेंस बुक, तो दूसरे टॉपिक के आते हैं कहाँ से कैसे पढ़ना है।
रेफरेंस बुक आपने पढ़ ली है पहले जो 50% टाइम है उसमें, उसके बाद जो अगला फेज है यानी जो अगला 25% का टाइम है, अगर आपका 40 दिन की प्रिपरेशन है यहाँ पर आप मान के चल रहे हैं तो 20 दिन में आपने रेफरेंस बुक पढ़ी है। अगले 10 दिन जो आपको करना है वो करना है सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लीजिए, केस मैट अगर आप देख सकते हैं, केस मटेरियल अगर आप DU में पढ़ रहे हैं तो केस मटेरियल मिल रहे होंगे, नहीं तो अगर आप कहीं और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए जो केस के अलग अलग नोट्स हैं वो देख लीजिए। केस लॉज पढ़िए, अगले 10 दिन आप केस लॉज को फोकस करिए, केस लॉज को लिख लिख कर रखिए। लिखने के बाद आपका फायदा ये होगा कि आप जब एक बार दूसरी बार उसे पढ़ेंगे तो आपको वो केस लॉज याद हो जाएंगे। देखने में बहुत टिपिकल लगते हैं, टफ लगते हैं, लेकिन आसानी से याद हो जाते हैं। तो अगले 10 दिन में आपको क्या करना है, आपको केस लॉज पे फोकस करना है और केस लॉज अच्छे से पढ़ने हैं, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ना है। अब आते हैं आखिरी 10 दिन यानी कत्ल की रात जब आएगी तब कैसे पढ़ना है। आखिरी 10 दिन में आपको मेन जो काम करना है, फोकस जो रखना है, वो आपको रखना है सिर्फ और सिर्फ अपने जो रेफरेंस हैं। रेफरेंस बुक को छोड़ दीजिए, आप रेफरेंस बुक को शुरू मत करने की सोचिएगा, केस मटेरियल को शुरू करने की मत सोचिएगा, क्योंकि 10 दिन के अंदर ये सब करना पांचों सब्जेक्ट के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जो मार्केट में, मैं सलाह नहीं दूंगा, ये ज़्यादा सजेस्ट भी नहीं करूँगा, लेकिन मार्केट में जो दुक्की दी हुई है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दुक्की का एक बहुत बढ़िया फ़ायदा ये है कि अगर आप एग्ज़ाम से एक या दो दिन पहले भी दुक्की को पढ़ के जा रहे हैं तो एग्ज़ाम में जो आप उल्टी करके आने वाले हो वो बहुत अच्छी करके आने वाली हो, क्योंकि दुक्की में सब कुछ प्रिसाइज कंसाइज इतना अच्छा दिया हुआ है जिसकी कोई हद नहीं है। इसलिए मैटर नहीं करती हैं ये चीज़ें, इसलिए आपको रिकमेंड नहीं की जाती है शुरू से, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग उसी लेवल की ना रह जाए, एग्जाम लेवल की ही ना रह जाए, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़े। इसलिए बात करते हैं रेफरेंस बुक और केस मैट्स की। तो आखिरी टाइम में दुक्की तो है ही, अगर आप दुक्की नहीं पढ़ोगे तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, वो वाली बात है। उस चीज़ को फोकस करिएगा और दुक्की से पढ़िएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेशर मत लीजिए, अभी दुक्की मत छूइए, अभी जैसे शेड्यूल बताया गया है वैसे आप फोकस कीजिए। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए इस लॉ लाइफ का पहला एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और कोशिश करेंगे कि जो अगले 2 पॉइंट्स हैं साथ में मास्टर टिप मैं आपको अगली वीडियो में दूं, और अगली वीडियो में आपसे ज़रूर मिलूंगा जल्दी। तो इस टाइम तक आप इंतज़ार करिए, पेशेंस रखिए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो असिस्टेंस के लिए हम हैं ही, आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, हम ज़रूर आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आगे की वीडियोज़ में आप क्या क्या चाहते हैं वो हमें ज़रूर बताइए। मिशन एडमिशन DULLB भी आ रहा है, 2020 के लिए हम लगे हुए हैं, कल सुबह आपके पास वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। भारत माता की जय, जय हिंद।